अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सवण रघुनाथान्वितं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणदलितान् श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नेयाभिक्रमणातोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पाप्यस्य धर्मस्य जायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा यन्नताश्च बुद्धयो व्यवसायिताम्। व्यवसायिनाम जो इस मार्ग पर है वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरु नंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तात्पर्य यह दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। व्यवसायात्मिका बुद्धि कहलाती है। यह दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा व्यवसायात्मिका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्णे भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हय। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार मानवता या राष्ट्रीयता से बनकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित
होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्रीलिंग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्य प्रदादात्र यस्य प्रसादान्न गति ही कुतोपि ध्यायन ध्यायन सतुवन तस्य यशस्ति संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यावहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। बस ना इतना ही ना। हेलो, सॉरी म्यूट पर था। इतना ही अभी के लिए इतना ही पढ़ना है एंड उसके बाद फिर आगे का थोड़ा डिस्कस करके फिर आगे और पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ओके। कल की थोड़े से स्मरण कर लेते हैं। कल क्या पढ़ा था हमने? तो आत्मा के ऊपर चर्चा अभी चल रही है। कौन है हम? आत्मा। मुझे कोई मेरी मेरी अभी तक रिवीजन में आप मैं अगर पूछूं कि मैं आप कौन है तो बोलेंगे आप आत्मा। आपकी साइज की साइज आत्मा की साइज मतलब आत्मा की साइज बाल को हम 10,000 बाल के टिप को 10,000 बार डिवाइड करेंगे तो उतने छोटे से हम हैं। हमारी प्रॉपर्टीज ये है कि हम कभी मरने वाले नहीं हैं। हम ये शरीर छोड़ेंगे और कॉन्शियस है। एक सेकेंड, कनेक्शन अनस्टेबल है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। हम इस शरीर के अंदर हैं, हम आत्मा हैं, हम इस शरीर के अंदर हैं, इसलिए ये शरीर कॉन्शियस है, चेतन है। फिर जब ये शरीर छूट जाएगी, आत्मा रह जाएगा। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, उसका छेदन नहीं हो सकता, आत्मा को कोई पानी में डुबा नहीं सकता, ना उसको किसी सोल्यूशन में, केमिकल सोल्यूशन में घुला सकता है, ना उसको जलाया जा सकता है, ना डुबाया जा सकता है। आत्मा स्टेडी है, आत्मा अनित्य है, आत्मा सर्वत्र है। तो ये हमारी एक्चुअल में हमारी ये क्वालिटी है, ये हम हैं। हम नित्य है, शरीर जाएगा लेकिन हम नित्य है। फिर भगवान ने कहा था कि एक सत्य तो पक्की है। क्या सत्य है? जिसने जन्म लिया है, मृत्यु तो ध्रुव सत्य है, मृत्यु होनी ही है, और मृत्यु होने के बाद फिर से जन्म होना, ये भी सत्य है। ये दोनों बातें सत्य है। तो किसी भी बात के लिए ना सोचे तुम अरहसी, कि मनुष्य ये सोचता है किसी भी बात के लिए लैमेंट करने की या अत्यधिक दुखी होने की, ग्रीव करने की, ये हैबिट छोड़ देगी। हमारे संसार में हम लोगों को ये दुख मनाना सिखाया गया है, टू रिपेंट फॉर एवरीथिंग सिखाया गया, जबरदस्ती हम लोगों को हर सिचुएशन में सैड होना बताया गया कि सैड हो, ज्यादा दुखी मत, खुशी मत दिखाओ, पीपल से दैट। बट भगवान क्या बोलते हैं? डू नॉट लैमेंट, डू नॉट ग्रीव। कोई सिचुएशन तुम्हारे हाथ के बाहर नहीं है,
समझे। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल जो पाथ मैं हमेशा बोलती हूँ ना, ये आनंद का रास्ता है, ये चिंता मुक्त होने का रास्ता है। संसार का पाथ चिंता में डालने का रास्ता है, लेकिन स्पिरिचुअल पाथ चिंता मुक्त होने का रास्ता है। न सोचि तुम रसी, न सोचि तुम रसी। जब दिमाग यहाँ वहां बहुत सारी बातें सोचने लगे, तो इसको इतना मंत्र की ऐसे भर लो कि दिमाग, फिर तुम्हारा मन खुद ही बोले क्यों सोच रही है। न सोचि तुम रसी, डू नॉट लैमेंट, डू नॉट ग्रीव। कृष्ण ने क्या बोला था, हमारे परम मित्र ने क्या बोला था, डू नॉट लैमेंट, डू नॉट ग्रीव, ना सोचे तुम्हारे ऐसी, ना सोचे तुम्हारे ऐसी। और क्या करना चाहिए, फिर भगवान ने कहा था कि उठ जाओ अर्जुन और जाकर के युद्ध करो। भगवान ने सारे प्रोज एंड कॉन्स, ये भगवान ने सारे प्रोज एंड कॉन्स बताए हैं, और उस प्रोज एंड कॉन्स को फिर हम लोग कल पढ़े थे। और वो प्रोज एंड कॉन्स ध्यान में रख कर के धर्म का रास्ता क्या है, सही रास्ता क्या है, उसको फॉलो करना, ये भगवान ने अर्जुन को बताया। अर्जुन को नहीं बताया, ये भगवान ने हमको बताया। हमारे जीवन में भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां हमें पता नहीं कि क्या करना, नहीं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उस समय पर आंख बंद करो और अपने परम मित्र भगवान को याद करो, भगवान श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण कहीं दूर नहीं है, हृदय के अंदर है। श्री कृष्ण दूर नहीं है, श्री कृष्ण आपके इंद्रियों के अंदर है। भगवान का नाम ऋषिकेश है ना, आपके मन में श्री कृष्ण है, कहीं दूर नहीं। आपकी इंद्रियों में श्री कृष्ण है, कहीं दूर नहीं है। जब आप आंख बंद करके बड़े शांति से, जब बहुत परेशान हो, बड़े जगह जगह पे स्मिता जी, आंख बंद के बड़े के बाद तो गया। मैंने कहा कि भरे जीवन में हजारों युद्ध आते रहे, लेकिन भगवान के हाथ, भगवान के को जो सरेंडर कर देता है, जैसे अर्जुन ने किया है, भगवान को सरेंडर कर दिया है उसने, शिष्य बन गया है वो भगवान का, और भगवान का परम मित्र है। यदि हम भी उसी भाव में आ जाए, हम सरेंडर कर दे अपने आप को और भगवान के हाथ में अपना रथ पकड़ा दें, और मन से भगवान को याद करें और भगवान से गाइडेंस मांगे, निश्चित भगवान गाइडेंस देते हैं। सारी गाइडेंस भगवान ने गीता में दे करके रखी है। आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि भगवान ने ही कोई बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे जाकर के खूब पुण्य कर्म इकट्ठे किए आपने, और उसके बाद ये जो मैं कह रही, मेरे शब्द नहीं है, पुण्य कर्म इकट्ठे किए मैं नहीं कह रही हूँ, भगवान कह रहे हैं, आगे के सातवें चैप्टर में आएगा जो मैं ये बात कह रही हूँ। जब बहुत पाप समाप्त हो जाता है, हम लोगों के पाप के जो सिंपल इफेक्ट्स है ना, कर्मों के, गलत कर्मों के, जब वो खत्म हो जाते हैं और पुण्य जब बहुत ज्यादा इकट्ठा होता है, तब कहीं जाकर के भगवान की भक्ति में एक दृढ़ निश्चय होता है। तब कहीं जाके गीता के पेजेस खुलते हैं, तब कहीं कोई टीचर मिलता है, कहीं कोई ऐसी बातें बनती है कि गीता समझ में आती है। तो भगवान गाइडेंस दे रहे हैं, हर जीव को गाइडेंस देते हैं, एवरीवेयर जो ढूंढेगा उनको, उनके लिए भगवान हमेशा खड़े हैं। तो भगवान वैसे ही अर्जुन को यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। हमने गीता के चैप्टर्स को खोला है, तो गीता के इंस्ट्रक्शंस को रटने के लिए मत रटना, समझिए और अपने जीवन में उनको उतारिए। दीज आर पॉजिटिव अफर्मेशंस। हालांकि ये संस्कृत में लिखी थी, इसलिए हम इनसे दूर थे भाषा की वजह से, लेकिन अब श्रील प्रभुपाद की वजह से हमारे पास हिंदी ट्रांसलेशन है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है, मराठी ट्रांसलेशन है, गुजराती, आपकी भाषा में ट्रांसलेशन है, उस भाषा में आप उन शब्दों को स्मरण कीजिए, लेकिन रोज एक पन्ना खोलिए, रोज एक पेज खोलिए, उनको याद कीजिए। ठीक है, तो कल भगवान ने क्या कहा, अर्जुन को कहा था, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। देखो युद्ध में करते करते यदि तुम्हारा समझो देहांत भी हो गया, कोई बात नहीं है, वध भी हो गया तुम्हारा, तो कोई बात नहीं है, तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं, और अगर तुम जी गए तो राजपाट भोगो, युद्ध तो तुमको करना होगा। तस्मात उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे कुंती पुत्र उठ जाओ, ये कावर्डली बिहेवियर तुम्हारे पर सूट नहीं करता, उठो, राजा हो तुम, क्षत्रिय हो तुम, उठो, कुंती के पुत्र हो तुम, उठो, युद्धाय कृत निश्चय, और निश्चय कर करके अब इस युद्ध को करो। युद्ध को करते समय
मन की स्थिति क्या हो, हमारे मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए जब हम युद्ध करें। युद्ध तो हमारे हमारे जीवन में ये मार्केट वाला युद्ध नहीं है, हमारे जीवन में छोटे छोटे युद्ध है, हल्के हल्के। नौकरी करने जाते हैं वहां अपने आप को सिक्योर करना, फैमिलियल रिलेशंस है वहां पर ऊपर नीचे जो भी उतार चढ़ाव मन के होते हैं, लोगों की बातचीत होती है उसमें अपने आप को सिक्योर करना, यही सब हमारे युद्ध है, बड़े छोटे से युद्ध है। फाइनेंशियली इश्यूज होते हैं उसको सिक्योर करना, और क्या, कोई स्टूडेंट होगा उसको पढ़ाई करना, एग्जाम देना उसके लिए वो बड़ा टेंशन है, कोई रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहा है, ये सब बड़े छोटे मोटे युद्ध है। लेकिन है इन युद्ध से, इसको तो करना ही है, इसके ऊपर जो उठना पड़ेगा जो मन, वो क्या है, सुख दुखे समय कृत्वा, मन की स्थिति ये बनानी है। क्या मत बनानी है, सुख दुखे समय कृत्वा, कि मन सुख और दुख के ऊपर उठे रहे, काम करना है, उससे हमें दुख मिल रहा है सुख मिल रहा नहीं, हमें भगवान ने यहाँ पर डाल दिया, इससे हम जो भी कर सके बेस्ट वो हमको करना चाहिए। लाभा लाभो जया जयो, इससे हमें घात प्रॉफिट हुआ ठीक है, हानि हो गई तो हमें दुख नहीं मनाना चाहिए। जया जय, कि अगर हम जीत गए बहुत अच्छी बात, हम हार गए हमें दुख नहीं मनाना चाहिए। ततो युद्धाय युज्यस्व, इस एटीट्यूड के साथ हमें जीवन जीना चाहिए। अर्जुन तो जाकर के लड़ाई करने वाला है, हमें हमारा जीवन भी इसी एटीट्यूड से जीना चाहिए। इससे क्या होगा, नैवम पापम अवास्यसि, इससे तुम्हें तुम्हारे जीवन में फिर पाप नहीं लगेंगे। कल हमने ये कहा था और उसके बाद भगवान ने कहा था, देखो अर्जुन मैं तुम्हें बुद्धि योग सांख्य योग द्वारा ये मैं समझा रहा हूं, कोई ऐसा भावनात्मक नहीं है, प्रॉपर एनालिसिस करके लॉजिकली इंटेलिजेंटली मैंने तुमको प्रोज एंड कॉन्स समझा दिए हैं, मन की स्थिति युद्ध में कैसी होनी चाहिए वो समझा दिया है, इसलिए अब तुम तैयार हो जाओ और युद्ध पर लगो। यहाँ कोई मरने वाला नहीं है जिसको तुम सोच रहे हो, तुम मोहवश बोल रहे हो कि ये सब मरने वाले हैं, ये सब पाप हो जाएगा। मैं तुम्हें कह रहा हूँ पाप नहीं लगेगा जब तुम्हारी बुद्धि उनसे डिटैच होगी। अपने मोह को नष्ट करो, इससे तुम बाहर निकलो। फिर आज जब हम 40वें श्लोक में आए हैं, बहुत बड़ी बात कही है भगवान ने, नेहा विक्रम नाशवस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वअल्पम अस्य धर्म स्वअल्पम अपि अस्य धर्मस्य रायते महतो भयात्। बहुत बड़ा ये स्टेटमेंट है। हम स्पिरिचुअल पाथ में जब चलते हैं बहुत चैलेंजेस आते हैं, कई बार लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, कई बार आप अपने आप को बहुत अकेला पाएंगे, ऐसा होता है स्पिरिचुअल पाथ में चलने के लिए। अच्छा वो तो छोड़िए, नॉर्मल में भी ऐसा होता है, सब एक दूसरे को पुल करना चाहते हैं, हर जगह ईगो क्लैशेस ये वो होता है, ये बहुत है। लेकिन भगवान कह रहे हैं, देखो इनको कह रहे हैं, युद्ध करने तो जा रहा है ना, बुद्धि को ऐसे रख करके बिल्कुल मैं हूं तेरे साथ, तूने मुझे अपना गुरु बना लिया है, तूने मुझे अपना चीफ स्ट्रेटेजिस्ट बना लिया है, मैं तुझे गाइड कर रहा हूँ, तूने मुझे अपना गाइड बना लिया है, मैं तेरा परम मित्र हूँ, अब जो मैं बोल रहा हूँ उस रास्ते तू चल। बिल्कुल अर्जुन वाली स्थिति हमको हमारे मन में लानी है जब हम जीवन जीते हैं। अर्जुन भगवान हम आपके शिष्य, भगवान आपकी बताई हुई बातों पर हम चलेंगे। भगवान बोलते हैं कि तुमने थोड़ा भी अगर इस रास्ते चले, क्योंकि ये धर्म का रास्ता है, धर्म के लिए लड़ना, सही रास्ते चलना, उसमें बहुत उतार चढ़ाव आ सकते हैं, बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं, तुम्हारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को लोग चैलेंज कर सकते हैं, तुम्हें डाउन कर सकते हैं, होता ही है, फिर भी तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए, तुम्हें तुम्हारा एटीट्यूड सुख दुख समय कृत्वा लाभ लाभ हो जाए आ जाए, वो एटीट्यूड में रहना। और तुम इस धर्म के रास्ते चलोगे तो यदि तुमने थोड़ा सा भी इसमें एफर्ट किया है, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, इस धर्म पर तुमने थोड़ा भी एफर्ट किया है, त्रायते महतो भयात, बड़े बड़े फियर से, बड़े बड़े भय से तुम मुक्त हो जाओगे। ये धर्म का मार्ग इतना स्ट्रांग होता है, तो इसमें कोई लॉस नहीं होता। जो तुम धर्म के मार्ग पे चलते हो, जो भी तुमने इकट्ठा किया है उसको तुम कैरी फॉरवर्ड करते हो, आगे के श्लोकों में आएगा, आगे के चैप्टर्स में
स्पिरिचुअल पाथ में। संसार के लिए तुम जितनी मेहनत करते हो ना, धन कमाते हो, घर लेते हो, गाड़ियां लेते हो, कितनी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हो, थ्रू आउट योर वर्किंग दिमाग को लगा के रखा है ये, लेकिन ये सारी की सारी विनाशी है। एक दिन यहां से छोड़कर के तुमको जाना ही पड़ेगा। जीवन जैसे जिस तरीके से जिया था उसको जिए बिना तुम चले जाओगे। फिर से रिपीट करती हूँ, इंटरनेट कनेक्शन इनस्टेबल। स्मिता जी, जिए बिना तुम चले जाओगे उससे। हाँ, कह रही हूँ कि राइट तरीके से जिए बिना मत जाओ। मैं ये नहीं कहती धन नहीं कमाओ, परिवार को मत देखो, सब करो, लेकिन इससे ऊपर तुम्हारा जो भागवत धर्म है, जो धर्म के रास्ते चलना है, वो मत कभी भूलो। उसमें थोड़ा भी अगर तुमने एफर्ट किया तो वो तुम्हें जन्म जन्मांतर तक कैरी फॉरवर्ड करते हो। यहाँ पर तुम जो कुछ भी कमाओगे ये यही छोड़ के जाना पड़ेगा, बट स्पिरिचुअल कमाई जो तुम्हारी होती है ना, जो भी एफर्ट तुम कर दो, थोड़ा भी कर दो, वो स्पिरिचुअल कमाई तुम अपने कॉन्शियसनेस में स्टोर कर करके तुम ले जाओगे, और अगला जन्म जो मिलेगा बहुत अच्छा जन्म मिलेगा, और वहीं से शुरू करोगे वो स्पिरिचुअल धर्म जो तुम्हारा था ना, वहीं से शुरू करोगे जहां छोड़ा था इस जन्म। इसलिए इस रास्ते में चलने में, स्पिरिचुअल रास्ते में चलने में जरा भी कोई भय नहीं है, चलो। उत्थिष्ट तस्माद् उत्थिष्ट अर्जुन, इसलिए उठ जाओ और इस रास्ते चलो। अच्छा, एक फिर भगवान 41 श्लोक में और एक बात बोलते हैं, बहुत अच्छी बात बोलते हैं। व्यवसायित्मिका बुद्धिर एके कुरु नंदना। व्यवसायित्मिका बुद्धि, ये क्या है? वन मतलब एक पॉइंटेड, रेजोल्यूट माइंड, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय होकर के इस पाथ में तुम चलो, इस धर्म के रास्ते में तुम चलो। ये युद्ध करने जा रहा है, लेकिन क्या करे भगवान, नहीं ये युद्ध नहीं है, ये धर्म का रास्ता है, क्षत्रिय धर्म निभाना है, और तुम मेरी, तुमने मुझे, मैं जो कह रहा हूं मेरी बात को सुनो, उस रास्ते पर चलो, तो तुम धर्म के रास्ते चल रहे हो। ये हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है, हम जीवन जी रहे हैं, युद्ध करना पड़ रहा है, लेकिन भगवान के कहे गए इंस्ट्रक्शंस पर यदि हम अपने जीवन में चलेंगे तो वो धर्म का रास्ता है। वो चलने के लिए बुद्धि कैसी करनी है? व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि यानी दृढ़ निश्चय, वन पॉइंटेड रेजोल्यूशन, फिर बुद्धि यहां मानी जाएगी। अब मैंने डिसाइड कर लिया है टू वॉक ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, मैंने डिसाइड कर लिया है इस धर्म के रास्ते मुझे चलना है, अब बुद्धि यहां नहीं जानी चाहिए। रोज अगर सोच लिया है कि भगवान की मालाएं जपेंगे, जो भी हमने काउंट रखे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे रोज, तो उस समय भी वो जपना है। उस समय पे कोई पार्टी के लिए बुलाए तो नहीं, अपना पहले प्रोग्राम, अपना जो भी रिचुअल से जो भी हमने संकल्प ली है वो हमको करना ही है। हमने सोच लिया है गीता पढ़ना है हमको, रोज एक चैप्टर पढ़ना है, तो पढ़ना ही है। उसमें फिर कोई रीजंस नहीं, आज पढ़ी और कल नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ना है। इसको बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। हमने अनुष्ठान ले लिया, हमको 1,00,000 जपना है देवी का मंत्र या शिव का मंत्र या कृष्ण का मंत्र, जो भी अभी इस समय आप लोगों की श्रद्धा जिस जिस देवी देवता पर है, तो जपना है। फिर ये नहीं, अरे 4 दिन मंत्र के, 5वें दिन फिर छोड़ दिया। और साधना की जो पथ जो होता है, ये कोई 1-2 महीने का नहीं होता, ये जीवन पर्यंत का, नित्यम, कभी छोड़ना नहीं है ये ऐसा पथ है, ये स्पिरिचुअल पथ। गोल ही ये है कि मरते मरते भी भगवान की याद आनी चाहिए, माला कभी छूटना नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे हैं भक्त जिन्होंने अपने जीवन में इसको गोल बना लिया। चंद्रशेखर बाबा थे वृंदावन के, तो उनकी बड़ी तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा, उनका दर्शन किया मैंने। अंत जब अंत का समय आया तो जब डॉक्टर के पास जाना हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि माला, उनको माला जपने की आदत थी, माला कभी छोड़ते नहीं थे,
माला बहुत सारी चीज है लाइफ में। माला ये भक्तों का शस्त्र है माया से लड़ने के लिए। माला बहुत बड़ी चीज है। माला रहती है अपने आप जब होता रहेगा। तो उनकी आदत थी माला छोड़ते नहीं थे कभी। तो अंत समय में डॉक्टर ने बोला कि माला तो हटानी पड़ेगी, सब इनको फ्री करना पड़ेगा। वो बोले मेरा अंत समय आ रहा था, मैं माला नहीं छोड़ूंगा। दृढ़ निश्चय, जिसने जो दृढ़ निश्चय किया उनके जीवन का वही दृढ़ निश्चय था। एक लेडी थी महाराज जी की कहानी में मैंने सुना था, तो उसको बहुत काफी ओल्ड थी तब जाकर के उसको मंत्र की दीक्षा मिली थी और उसको फेथ आ गया था उसके अंदर। और उसने डिसाइड कर लिया कि अब मैं माला कभी छोड़ूंगी नहीं, मैं रोज माला जपूंगी जपूंगी भगवान का। और वो पूरे समय पे फ्री थी, ओल्ड एज था, पूरे समय उसने माला जपना शुरू किया। जपते 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 because she was old, और उसका हार ऐसी हो गया था क्योंकि माला ऐसे लेते हैं यहाँ पर, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम, तो हाथ ऐसी हो गया था उसका। हुआ ये कि कुछ बीमारी हुई उसमें, वो कोमा में आ गई, अब बेड रिडन है और हाथ ऐसे ही है, हाथ सीधा नहीं होता उसका, हाथ में अब माला नहीं है। अब बहुत दिन बीत रहे हैं, डॉक्टर्स को लग रहा है इसका प्राण जाना चाहिए, जा भी नहीं रहा है। तो उनके जो गुरु थे उनको फिर फोन किया गया कि ये प्राण नहीं छोड़ रही है, आपको लगता है कि इनका कुछ आखिरी ख्वाहिश है? तो गुरु बोले अच्छा मैं आके देखता हूँ। तो गुरु जी उनके आए, जब आए देखे हाथ का पोजीशन, माला जपने वाला पोजीशन है, बोले अरे इसने तो अंत समय में जो है इसने अपने माला को भगवान के नाम को इसने अपने गोल बना लिया था, इसके हाथ में माला दे दो जप लेगी, एक दो मन का घुमा लेगी वो चली जाएगी, तुरंत माला पकड़ाई गई। एक दो मन का उसने जपा, कोमा में उसको होश आ गया, उंगली हिली उसकी और फिर उसने अपना प्राण त्याग। यह है व्यवसात्मिका बुद्धि। भगवान का नाम जपना है, इसको परमानेंट गोल बनाना है, भगवान के रोज भगवान की किसी एक लीला का चिंतन करना है, रोज भगवान के धाम वृंदावन का चिंतन करना है, रोज भगवान के किसी एक भक्त के लिखे हुए प्रेयर को पढ़ना है, रोज गीता को पढ़नी है, भागवत को पढ़ना है। यह है व्यवसात्मिका बुद्धि। फिर संसार कहीं भी हिलाए ना, ये मेरा काम हो जाना चाहिए, उसके बाद देखूंगी संसार को जो अटेंड करना है करूंगी। संसार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, भगवान से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। व्यवसात्मिका बुद्धि, ठीक। तो उनकी बुद्धि यहां मानी जाती है। भगवान कहते हैं बहुशाखा या अनंतश्च बुद्धि अव्यवसायी नाम, जो लोग अव्यवसायी होते हैं उनकी बुद्धि यहां वहां मचलती है, चंचल बटरफ्लाई की जैसे, कभी यहां भागे कभी वहां भागे, नहीं वैसा नहीं है। भगवान के रास्ते चलना है और भगवान के रास्ते चलना है। अच्छा, इसमें आगे एक और उन्होंने चैतन्य चरितामृत से एक पद लिया है। हम लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं, भगवत गीता के बाद श्रीमद् भागवतम सेकेंड लेवल की बुक होती है, थर्ड लेवल की जो बुक पढ़ते हैं वो होती है चैतन्य चरितामृता, ठीक। तो आफ्टर श्रीमद् भागवतम इज बाय इटसेल्फ वेरी बिग एंड उसके ऊपर चैतन्य चरितामृत। तो उसका उन्होंने चैतन्य चरितामृत का ये जो कहा, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हया। कह रहे कि श्रद्धा, श्रद्धा का अर्थ होता है विश्वास, विश्वास का अर्थ होता है सुदृढ़ निश्चय। और सुदृढ़ निश्चय किस किसके लिए? कृष्ण भक्ति कैले, कि यदि हमने कृष्ण की भक्ति कर ली, ऐसा सुदृढ़ निश्चय। अन्यान देवी देवताओं को हमने आज तक भजा, सब कुछ किया, जो जो स्पिरिचुअल पाथ अलग अलग हमको सिखाए गए, हर रास्ते चले, हर गुरु को हमने फॉलो किया, कितने न जाने बुक्स पढ़ लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन नाउ वी हैव कम टू अ पॉइंट, फाइनल कंक्लूजन कह दो, फाइनल डेस्टिनेशन कह दो, गीता इज द सोर्स एंड गीता इज द फाइनल डेस्टिनेशन, कृष्णा इज द सोर्स एंड कृष्णा इज द फाइनल डेस्टिनेशन। जब आपकी गीता पढ़ करके 18 अध्याय होंगे ना, तब आपको रियलाइज होगा जो मैं कह रही हूँ इस बात को, कि आपने अन्य अन्य गुरुओं की किताबें पढ़ी, लेकिन वो लोग सब कह कहाँ से रहे थे, अरे वो लोग तो सब गीता से कह रहे थे, लेकिन उन्होंने खोल करके नहीं बताया कि हमने गीता से कहा। मुझे इस बात का बड़ा
दुख होता है कि क्यों गुरु लोग छुपा लेते हैं, क्यों अपनी पर्सनालिटी के को बताने के लिए भगवान की पर्सनालिटी को छुपा लेते हैं, क्यों मुझे प्रभुपाद के लिए. इसलिए बहुत मैं हम मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इन्होंने वो दिया जो देना था, कोई कोई मिक्सिंग नहीं, कुछ नहीं, जैसा था वैसा दे दिया. कृष्ण है, कृष्ण ने बोला है, कृष्ण ने नहीं कहा है. और भक्त सच्चा साधक जब कृष्ण से जुड़ जाता है उसके सारे सारे संचय खत्म हो जाते हैं, फिर किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ती, ये गीता ने सब दे दिया. तो श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत हया. एक बार कृष्ण भक्ति कर ली तो आपके सारे कर्म हो जाते हैं, सारे अनुष्ठान, सारे तप, सारे व्रत नियम जो कुछ भी थे वो केवल कृष्ण भक्ति करने से ही संपूर्ण हो जाता है. फाइनल 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 डेस्टिनेशन. आगे का एक श्लोक है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कतोऽपि, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि, ध्यायां सुवंस्तस्य यशस्त्री संध्यं वंदे गुरु श्री चरणारविंदम. ये जो कृष्ण भक्ति का जो ये मार्ग है ये कहां से मिलता है? ये गुरु कृपा से मिलता है, संत कृपा से मिलता है. गुरु कृपा से यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो. गुरु के लक्षण क्या है? अरे गुरु के लक्षण ये है, गुरु के पास जब आप जाते हो गुरु का प्रसाद ही ये है कि वो भगवान से आपको मिला दे. यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो. गुरु अगर प्रसन्न हो जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं. यस्य प्रसाद न गति कुतोऽपि. अगर गुरु प्रसन्न नहीं है तो आपकी गति ही नहीं है, फिर आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे. तो गुरु प्रसन्न हो गया तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, गुरु प्रसन्न नहीं तो कहीं गति नहीं है, आप ऐसे घूमते रहेंगे, भटकते रहेंगे. स्मिता जी आप ऐसे आप यूं ही भटकते रहेंगे, इसलिए गुरु को ही मैं अब और भटकना नहीं है. बहुत भटक लिया आप लोग नसानी, अब नहीं, अब आगे हम नहीं भटकेंगे. बहुत भटक लिया, कहां कहां घूम लिए, अब हम सबसे बड़े गुरु के पास आ गए, कृष्णम वंदे जगत गुरु, उनके शरण में आ गए. अब हम अर्जुन को फॉलो करेंगे जैसे उन्होंने फॉलो किया. तो जो सच्चा गुरु होगा ना वो आपको कृष्ण से जोड़ देगा, उसको आपसे कुछ लेना देना नहीं, आप कृष्ण के पास चले जाओ बस. यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि. इसलिए ऐसा गुरु जब मिलता है तो इस ऐसा गुरु जब आपके ऊपर प्रसन्न होता है तो भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं. और श्री लवस्विनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मैं उस गुरु को, मैं उनका ध्यान करता हूँ, मैं उनकी स्तुति करता हूँ, मैं 3 बार उन्हीं को प्रणाम करता हूँ, उन्हीं के चरणारविंद को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ. चलिए तो ये गुरु की बात हो गई. अब आप रेखा जी 42-43 का श्लोक पढ़िए, अर्थ पढ़िए और 46 को पूरा पढ़िए. यामिमां पुष्पिका वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पाथ नान्यदस्तीति वादिनः वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगति प्रति. अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं. इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है. भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम
तया पौरुष चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समातो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण हो। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विचानतः। एक छोटे से कुप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वालों को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तात्पर्य, वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है, और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवत गीता के 15वें अध्याय में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानता है, अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवत गीता के 15वें अध्याय में हुआ है। जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप है, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णावस्था है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि इस प्रकार भी है। अहो पत शपच्चो तो गरियान यंचु ग्रहे वर्तते नाम तुभ्यो ते पुस्तपस्ते जो शस्त्रुरार्या ब्रह्मानुचुन्ना पुणंति एते। हे प्रभो, आपके पवित्र नाम का जप करने वाले भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए जाता है, और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करने करके वेदों का अध्ययन किया जाता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्गलोक जानने की कामना न करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है, और न सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्कृति पतितात्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी, अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावनमत्त हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। भगवान ने अब
वेद के टॉपिक को कवर किया है, आगे भी एक जगह पे कुछ बोलेंगे भगवान, क्योंकि लोग वेद पढ़ते हैं, वेद पाठ करते हैं, साउथ में तो बहुत है वेद का चलन। तो वेद पाठ जब हम करते हैं तो उसमें बहुत बार भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन होता है, पुरुष सूक्त वगैरह आप लोगों ने सुना होगा किसी ने, तो उसमें भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन होता है। अच्छा, वेदों में कर्म कांड के भी वर्णन होते हैं, पूजा पाठ जो रिचुअल्स है, शादी के लिए जो मंत्र होते हैं या संस्कार के मंत्र होते हैं, सब भी आते हैं बहुत सारे। तो कर्म कांड, जीवन कैसे जीने चाहिए, अलग अलग देवी देवता, यज्ञ हवन, उनके मंत्र, अलग अलग वेदों के अलग अलग समय पे वेद हुए हैं, तो उनके हिसाब से उस टाइप के कर्मकांड भी वेदों में हैं। तो वेद पाठ भी जो होते हैं, एक स्कूल निकली जहाँ पर केवल वेद पाठ करते हैं, अभी भी साउथ के टेम्पल्स में जाओ तो आदमी लोग मिलते हैं शाम के टाइम पे और वेद पाठ करते हैं। तो वेद पाठ तो करते हैं लेकिन उसमें कोई चर्चा नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, उसमें लिखा क्या है वो भी समझते नहीं है। अच्छा, कुछ लोग जो समझते हैं तो जब उसको एक्सप्लेन करते हैं तो वो ऐसे ऐसे शब्द यूज करते हैं कि कॉमन आदमी तो सुनते ही ऐसे कंफ्यूज ही हो जाएगी, क्या बोल रहा है, सुन के आएगा हाँ हाँ कुछ अच्छी बात सुनी है, क्योंकि वेद का जो द वे मीटर, जिस तरीके से वेदिक चैंट्स होते हैं ना, वो बहुत सुंदर होते हैं, तो सुन करके बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अर्थ तो कुछ समझ में आता नहीं है, फिर भी उसको, क्योंकि भगवान के नाम है, गुण है उसके अंदर, तो उसका इफेक्ट जरूर होता है। तो यहाँ पर भगवान ने उस टॉपिक को टच किया, क्योंकि भगवान के समय पर भी लोग वेद करते होंगे, भगवान प्रकट है, मतलब मजे की बात यही है कि भगवान प्रकट है, लेकिन जो वेद पाठी है वो वेद पढ़ेंगे, वो थोड़ी भगवान को शरीर रूप में मानेंगे, मान ही नहीं सकते। और भगवान ने इस बात को भी आगे जाकर के कवर किया है कि मैं आ गया इस शरीर रूप में, लेकिन बहुत लोग मुझे नहीं समझ सकते कि मैं ही वो भगवान हूँ। उनके जाने के बाद श्रीमद भागवतम में भी ये प्रश्न किया, जब सत्र हुआ है 88,000 ऋषिज, वो लोग बैठ करके पूछ रहे हैं सूत जी को कि भगवान आए थे इस धरा पे बलराम जी के रूप में, कृष्ण जी के रूप में, और चले भी गए छुपा छुपाए, बहुत कम लोगों को पता चला कि वो थे, तो उन्होंने क्या क्या किया, कृपा करके आप हमें बताइए। तो श्रीमद् भागवतम में उसके ऊपर चर्चा हुई है, यहाँ पर भगवान ने वेद पाठवाही पाठियों के ऊपर भी थोड़ा सा कहा है कि वेद में इतना कुछ लिखा है और ऐसे सुंदर सुंदर भाषा में लिखा है यामिमाम पुष्पिताम वाचम, पुष्पता मतलब बड़े फ्लावरी लैंग्वेज में लिखा है वेदों में, उस भगवान को उन्होंने डिस्क्राइब किया है, लेकिन वो वेद पाठ करके उसमें जो कर्म कांड जो डिस्क्राइब किए हैं वो केवल स्वर्ग की प्राप्ति करा सकते हैं। इंद्र की पूजा होती है वेद में, अग्नि की पूजा होती है वेद में, ये लोग सब, ये देवताओं की पूजा होती है, ये देवता प्रसन्न होकर केवल स्वर्ग लोक तक लेकर के जाएंगे बस। बट स्वर्गलोक तक भी जाने के बाद छिने पुण्यम, जब जिस दिन पुण्य खत्म होता है मृत्युलोक मिशन, उस समय फिर से मृत्युलोक में आप आ जाओगे। तो भगवान ने वेद को यहाँ पर कहा कि देखो जो लोग वेद कर रहे हैं वो केवल केवल, वो भी सेंसरी ग्रेटिफिकेशन के लिए प्रार्थनाएं हैं उनके अंदर, जब आप वेद की प्रेयर्स में घुसेंगे उनको समझेंगे। अच्छा, उसके बाद में भगवान बोलते हैं जी, वेद को समझेंगे उसके बाद गए, फिर से समझाते हो, कह रहे हैं कि जो उनका जिनका अल्प ज्ञान होता है वो ही वेद के कर्म कांड इत्यादि पर स्वर्ग का सुख सबसे ज्यादा, तो स्वर्ग तक पहुंच जाए देवता कितना एंजॉय कर रहे हैं, तो स्वर्ग का सुख पाने के लिए। हाँ, फिर से बोलते हैं कर्म कांड के बाद। हाँ, फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। यामी मम पुष्पिताम वाचम, कहते हैं कि वेदों में जो है खूब फ्लावरी लैंग्वेज यूज करके, फ्लावरी लैंग्वेज में, फ्लावरी भाषा में खूब बातें की गई है, लेकिन ये केवल स्वर्ग के सुख को प्रदान कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों को बहुत ज्यादा कामनाएं हैं, स्वर्ग जाने की इच्छा है, अरे यहां पर सुख नहीं मिल रहा है, स्वर्ग
लेकिन वो सब भी स्मिता जी विनाशी यहाँ पर हाँ, सुख नहीं मिलता उसके बाद से हाँ, फिर से एक्सप्लेन करते हो, वहां पर सुख नहीं मिलता। कह रहे कि वेद पढ़ करके भी, वेद के कर्म कांड करके भी आप केवल स्वर्ग तक जाएंगे, लेकिन एक बार वो समय खत्म, आपका पुण्य खत्म, फिर स्वर्ग से वापस नीचे आना पड़ेगा, इसी धरती पर आना पड़ेगा। तो भगवान ने वेद पाठियों के लिए कवर किया। अच्छा, वेद में दूसरा उसको जो एक्सप्लेनेशन दिया वेद का, अद्वैत एक्सप्लेनेशन दिया है। अद्वैत यानी निराकार, निर्ब्रह्म, ब्रह्म के ऊपर चर्चा बहुत होती है वेद के अंदर, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इस बात पर चर्चा होती है बहुत, है तत्वमसी, ऐसे ऐसे सारे फ्रेजेस हैं। ये सारे फ्रेजेस में उस निराकार के ऊपर चर्चा होती है, जो कॉमन आदमी के पहले तो समझ में आने वाला नहीं है, और समझ करके भी वो इनकम्प्लीट नॉलेज है, वो पूरा नॉलेज नहीं है। तो भगवान ने उस टॉपिक पर टच किया है, भगवान ने आगे जाकर के भी इस टॉपिक पर टच किया है। अच्छा, आगे बोलते हैं कौन लोग वेद की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कह रहे हैं भोगैश्वर्य, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रीत चेतसां व्यवसात्मिका बुद्धि संवाधो न विधीयते। कहते कि जिनका मन बहुत ज्यादा भोग और ऐश्वर्य में लगा है, वही इन वैदिक कर्मकांड के पीछे भागते हैं, इन यज्ञों के पीछे भागते हैं, इन जो भी अनुष्ठान दिए जाते हैं अपनी इच्छाओं पूर्ति करने, इच्छा पूर्ति करने के लिए। तो सारे आप अनुष्ठान कर रहे हैं रात दिन, पूरे बुद्धि को लगा रहे हैं, पूरे शरीर को लगा रहे हैं, इच्छा पूर्ति के बात है। हाँ, इच्छा पूर्ति के लिए वेदों में बताए गए अनुष्ठान कर रहे हैं, सारे अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए आप उतनी ही बुद्धि लगा रहे हैं, उतना ही मन लगा रहे हैं, उतना ही शरीर का ताकत लगा रहे हैं, वैसा ही धन लगा रहे हैं उस अनुष्ठान को करने के लिए, लेकिन उससे आप पाना क्या चाहते हैं, आप क्या पाना चाहते हैं? आप केवल छोटा सा सुख पाना चाहते हैं जो निकल जाएगा एक दिन। आप बोलेंगे नहीं नहीं हमको तो स्वर्ग का सुख चाहिए, सबसे बड़ा सुख स्वर्ग में ही है ना, लेकिन स्वर्ग का सुख भी एक दिन खत्म होने वाला है और फिर आपको वापस यहां आने वाला है। तो समय लगाना ही है, बुद्धि लगानी ही है, मन लगाना ही है, तो ऐसा काम करो ना, ऐसा अनुष्ठान लो ना जिससे आपको नेवर एंडिंग सुख मिले, नेवर एंडिंग ब्लिस, नेवर एंडिंग आनंद। वो कहां मिलेगा, वो प्रश्न आना चाहिए। वेद को जब पाठ करें तो वेद में उस चीज को ध्यान करें कि वो पॉइंट कर रहा है कि नहीं, मुझे ऐसे ऐसे पद का, स्वर्ग का तो कर रहा है लेकिन ऐसे मोक्ष का, मोक्ष के बियॉन्ड का बात हो रही कि नहीं हो रही, उस पर ध्यान देना चाहिए। जो वहां तक पहुंच गया तो वो वेदांत, उसने फिर वेदों के अंत में पहुंचा। वेदों के अंत में पहुंचेगा तो भगवान के बारे में पता चलेगा। अब आगे के उसमें आता है कि भगवान बोलते हैं 45वें श्लोक में त्रैगुण्य विषया वेदा, वेद जो है उनमें तीन गुण है उनके अंदर। तीन गुण जो है कौन कौन से, सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण। तो सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण, इस प्रकार से उनके जैसे जिसका जो माइंड है उसके हिसाब से उसको साधनाएं, अनुष्ठान, व्रत इत्यादि वेदों में बताए गए, जिसका जो इच्छा है उस हिसाब से। लेकिन वो भी तीन गुणों से कवर्ड अप है, सात्विक रासिक तामसिक। तो हे अर्जुन, कह रहे तुम इनसे सबसे ऊपर उठ जाओ, तुम्हें सात्विक भी नहीं होना, रासिक भी नहीं, तामसिक भी नहीं, इनसे ऊपर तुम्हें तो डिवाइन हो, डिवाइन होना है। तो मैं तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, आगे बोलते हैं 46 में आकर के कि यावनार्थे उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, यावनार्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावन सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विज्ञानितः। कि देखो कि एक
All purposes served by small well can at once be served by great reservoir of water. इसी प्रकार से जो वेद होते हैं, कह रहे हैं कि जितना भी वेद है, वेद जो बोल रहा है उसको प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, उसके पीछे का पर्पस क्या है वेद का, वो यदि कोई जान ले तो उसने सब कुछ कर लिया। तो वेद में बहुत कुछ है, बहुत बड़ा है, लेकिन वेद का पर्पस क्या है, गोल क्या है, क्यों लिखे गए वेद? वेद का अर्थ जो होता है नॉलेज, इतना नॉलेज है, इतना नॉलेज हम सबके पास है, कितने बुक्स हैं नॉलेज के, कितने स्पिरिचुअल पाथ्स हैं, है ना, अलग अलग पाथ में हम लोग गए, ढूंढे, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तभी तो अलग अलग बुक्स पढ़ रहे हो। तो वो अंत में तुम ढूंढ क्या रहे हो, उस नॉलेज से पाना क्या चाहते हो, ये प्रश्न आना चाहिए। तो वेद के पठन से अंत में क्या पाना है, वो अगर समझ गए तो बस ठीक है, फिर तो तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। अगर कोई प्यासा है तो उसे क्या नदी के पास, नदी का पानी चाहिए कि कुएं का पानी चाहिए कि नल से पानी आए, उसको केवल पानी चाहिए, पानी कहां से मिल जाए, बस प्यास बुझ जाए। तो ज्ञान की जो प्यास है, ज्ञान की भी नहीं, अल्टीमेटली कहां पहुंचना है उसकी जो प्यास है, वो कहीं ऐसे एक बुक से मिल जाए जिसमें सभी वेदों उपनिषदों पुराणों का सार है, वो बुक है गीता। भगवान उसको यहां पर पॉइंट करते हैं। अच्छा, उसमें एक और उन्होंने श्लोक लिया, कह रहे हैं कि भगवद गीता का 15.15, तो मैं 15.15 आपको एक बार रीड करती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आगे के चैप्टर्स में आएंगे, 15वें पे जब हम जाएंगे तो वहां पर चर्चा फिर से होगी वेद के ऊपर। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश सर्वैरहम वेद वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहं। सारे वेद वगैरह हम पढ़ रहे हैं ना, पर्पस क्या है उसका, कह रहे हैं कि देखो सभी के हृदय में मैं ही बैठा हूं, मेरे हृदय में भगवान बैठे, आपके हृदय में भगवान बैठे। सर्वस्य हृदि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, मैं सबके हृदय में बैठा और मत्ता स्मृतिर ज्ञान अपोहनम च, मुझी से ही मेमोरी है, मुझी से ही ज्ञान है और मुझी से ही अपोहनम, अपोहनम मतलब विस्मृति, मतलब भूल जाना, मुझसे ही है ना। और आगे बोलते वेदैश्च सर्वे, जो कुछ भी वेद है, वेदैश्च सर्वे अहमेव, एक अकेला मैं ही सारा वेद हूं, वेद्यो वेदांत कृत, मैं ही वो हूं जिसको जानना है। वेद का अर्थ होता है जानना, टू नो, नॉलेज, तो सारा नॉलेज कौन है, मैं, वेद कौन है, मैं हूं, मैं मतलब भगवान कृष्ण। वेद पढ़ करके जानना क्या है, वेद पढ़ करके लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, जानना क्या है मुझे, सारे वेद पढ़ लिए, जानना क्या चाह रहा था मैं वेद में, मैं हूं कृष्ण, बोलते हैं मैं ही जानने के लिए, वेद कौन हूं, नॉलेज मैं हूं, और उस नॉलेज से जिसको जानना है वो भी मैं हूं। आगे बोलते वेदांत कृद, वेद का जो सार है वेदांत, उसको लिखने वाला मैं हूं, क्यों नहीं है भाई, भगवान ही है ना, व्यास देव के रूप में आ गए, हमने पढ़ा ना अभी भागवतम में, अवतार उनका भगवान का, कृष्ण भगवान का अवतार व्यास देव, बोलते मैंने तो वेदांत लिखे है। अच्छा, वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, और इन वेदों को जानने वाला, सही मर्म जानने वाला वेद का कौन है, मैं भगवान श्री कृष्ण, ये 15वें चैप्टर में आएगा। तो हम लोग जो कलयुग की जीव है, जिनकी बुद्धि इतनी विकसित भी नहीं है, हम एफर्ट कर रहे हैं, इतना मेहनत करते दिन रात, पता नहीं क्या क्या पढ़ने का, क्या क्या समझने की, अरे हमसे नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, भगवान हमको बड़े प्यार से बोल रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हो, तुम्हें वेद के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ऐसा वेद दे रहा हूँ, वेदों का सार, उपनिषद का सार, मैं तुमको एक छोटी सी बुक में 700 श्लोक में सब दे रहा हूँ, गुरु के पास बैठो, भक्तों के बीच में बैठो, सत्संग करो, और ये मैं तुम्हारे हृदय में उठ करके तुमको समझाऊंगा, अंडरस्टैंड दिस। क्यों ये लिखा है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, कल मैंने 10.10 पढ़ा था कि, लेकिन एक ही चक्कर है इसमें,
ये 15वें चैप्टर में आ रहा है। ये चक्कर क्या है कि ये नॉलेज तभी जाता है जब बोधयंतः परस्परम, जब ऐसे शिष्य ऐसे भक्त मिलते हैं जो एक दूसरे से चर्चा करते हैं, भगवान की कथाएं करते हैं, उसी में रमण करते हैं। जब ऐसा होता है तो भगवान ही खुद स्वयं हृदय के अंदर वो प्रकाश बन करके आते हैं, अज्ञान को दूर करते हैं। ये 10वें चैप्टर में बोला था। फिर 15वें चैप्टर में बोलते हैं, अरे सभी के हृदय में मैं बैठा हूं, मैं ही ज्ञान रूप में हूं। तुमने इतनी क्लास सुनी, उस क्लास में जो बात तुम्हारे स्मरण में रह गई, भगवान बोलते हैं स्मरण देने वाला मैं ही हूं, जो बात तुम भूल गए मैं ही हूं। पूरी क्लास में तो कोई याद नहीं होती, जिसकी जैसी सिचुएशन है वैसी बात उसको याद होगी, है ना। कई बार मैं लेक्चर देने जाती थी पहले, तो मैं लिखती थी नोट्स बना के, जब कोई लोग मुझे बुलाते थे, अरे तो मैं नोट्स बना के लिखती थी कि हाँ ये लेक्चर में बोलूंगी, ये लेक्चर में बोलूंगी, ये लेक्चर में बोलूंगी। और जब लेक्चर देने जाती थी तो मैं सब भूल जाती थी, क्या बोलना है वो भी याद नहीं होता था। और फिर मैं भगवान को याद करती, मतलब जो तुमको बुलवाना है बुलवाओ, फिर भगवान बोलते जो बोलना है उनको, मैं तो समय खाली माइक होती हूँ। लेकिन लेक्चर के बाद फिर जब मैं अपने नोट्स देखती, मैं सोचती हे भगवान ये बोलना था मैं बोल नहीं पाई, हे भगवान ये बोलना था मैं बोल नहीं पाई। तो मेरे भगवान ने मेरे को यही स्मरण दिलाया बाद में, अरे तू कौन है बोलने वाली, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, और कौन है वो समझने वाले जब मैं उनके हृदय में रहता हूँ, जब वो मेरे से ट्यून होते हैं तब मैं उनको समझाता हूँ। तो तुम बोलोगे कुछ, वो समझने वाले समझेंगे कुछ, क्यों, सर्वस्य हृदय चाहम सन्निविष्टो, मैं ही सबके हृदय में रह करके मैं ही मुख से बुलवाता हूँ, मैं ही उनको समझवाता हूँ, जो बात याद करने वाली है याद रखने देता हूँ, जो बात भुला देने वाली है मैं ही भुला देता हूँ, जो वो ज्ञान पढ़ रहे हैं वो मैं ही हूँ, उस ज्ञान से जो जानने वाला है वो मैं ही हूँ, ये ज्ञान को लिखने वाला भी मैं ही हूँ सब, और इस ज्ञान को जो पूरी तरह समझता है वो भी मैं ही। तो ये हो गया वेद। तो हम लोग कोई वेद वगैरह नहीं पढ़ रहे तो कोई बात नहीं है, गीता पढ़ रहे हैं तो सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कि एक कुएं के पानी से प्यास बुझ जाएगी, भले रिवर हो नहीं हो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे ही ये गीता उस कुएं के जैसा है जिसके अंदर सब कुछ है, सब कुछ। अच्छा एक और श्लोक उसमें का लास्ट का लेकर के क्लास एंड करूंगी, उसी के अंदर 46 के तात्पर्य में आया, अहो बतो स्वपचतो गरियान यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु सश्नुरार्य ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति हेते। ये श्रीमद् भागवतम में आएगा जब हम लोग तीसरे स्कंद में पहुंचेंगे। कहते हैं भगवान आपका नाम इतना शुद्ध है, इतना विशुद्ध है कि यदि कोई चांडाल के घर में भी, जो लोग कुत्ता खाते हैं ऐसे घर में भी अगर कोई कोई पैदा हो जाए, लेकिन वो यदि आपका नाम ले रहा है, भले वो नीच निम्न कुल में पैदा हुआ, लेकिन यदि वो भी आपका नाम ले रहा है तो वो तो बहुत ही हाईएस्ट स्टेज पर है, ऐसा तो आपका नाम प्रकाशवान है, कोई भी ले ले वो पवित्र हो जाता है। अगर किसी के मुख पर आपका नाम आ गया है तो जरूर उसने कुछ बहुत अच्छे अच्छे पुण्य किए होंगे, उसने बहुत सारे तीर्थ किए कर लिए, उसने जिसने आपका नाम ले लिया, लिख रहे हैं इसके अंदर कि उसने बहुत सारे तीर्थ कर लिए और ना जाने उसने कितने वेद पढ़ लिए होंगे, जिसके मुख पर आपका नाम बैठा है और वो आपके नाम को रातों दिन रटता रहता है, ऐसा तो हे भगवान आपका नाम है। भले वो चंडाल के घर में हो लेकिन अगर उसके मुख से आपका नाम निकल रहा है तो वो तो किसी आर्य, आर्य यानी नोबल, कोई आर्य परिवार का है, वो नोबल है, तो ऐसा भगवान का नाम होता है। इसलिए सारा वेद पठन जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उसका अंत गोल एक ही है, वो है भगवान श्री कृष्ण। उसका अंत ही गोल ये है, हम भगवान श्री कृष्ण को कभी नहीं भूलें। एक भगवान कृष्ण का नाम कोई लेता है उसके सारे तीर्थ वेद पठन सब उसका हो जाता है उसी नाम में। ठीक है तो क्लास यहीं पर एंड करते हैं, कल और अच्छे अच्छे श्लोक आने वाले हैं, कल उसको फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन जो कुछ भी है आप लोग लिख देना, ये चैप्टर फिनिश होने के बाद वी विल टेक ऑल द क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है ना। चलिए हरि बोल।